नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पे। एक बड़ी अच्छी खुशखबरी निकल के ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में PGT प्रिंसिपल और नॉन टीचिंग पोस्ट की अच्छी वैकेंसी निकल के आ रही है। जो अभ्यर्थी रीट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और KV और नवोदय में असफल रहे हैं उनके लिए एक शानदार वैकेंसी देखने को मिली है 2023 के एंड तक। इसका हमें एग्जाम और रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है। तो साथियों चलो शुरू करते हैं कि इसमें क्या इसकी अप्लीकेशन फीस है। तो प्रिंसिपल की जो अप्लीकेशन फीस है वो 2000 रहेगी, PGT की 1500 रुपये है और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसकी जो अप्लीकेशन फीस है वो 1000 रुपये रहेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं कि कुल पोस्ट कितनी है। प्रिंसिपल की 303 वैकेंसी है, PGT की 2266 है, अकाउंटेंट की 361, JSA यानी LDC की 759 है, लेबर अटेंडेंट की 373, कुल मिला के 4062 वैकेंसी यानी एक बड़ी शानदार वैकेंसी ये है। चलिए अब बात कर लेते हैं PGT के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। लगभग सारे सब्जेक्ट इसके अंदर कवर किए गए हैं। तो इंग्लिश के अंदर 246 वैकेंसी, हिंदी के अंदर 200 वैकेंसी, मैथ्स के अंदर 244, केमिस्ट्री में 169, फिजिक्स में 179, बायोलॉजी में 236, हिस्ट्री 185, ज्योग्राफी 154, कॉमर्स 140, इकोनॉमिक्स 161, कंप्यूटर साइंस 172। तो कहने का मतलब कि लगभग सारे सब्जेक्ट कवर हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात AMRS की एक और देखने को मिली है, वो है लैंग्वेज टीचर्स के लिए। जहाँ पे नवोदय के अंदर लैंग्वेज टीचर्स को TGT की श्रेणी में रखा जाता है, वहीं पे एकलव्य मॉडल स्कूल में लैंग्वेज टीचर्स को PGT की श्रेणी में रखा जाता है, जो एक बड़ी बात है। तो देखिए कौन कौन से लैंग्वेज हैं, मराठी, उड़िया, तेलुगु, संस्कृत, बंगाली और संथाली। तो ये लैंग्वेज हैं जिनका भी जो आपको PGT पोस्ट में देखने को मिल रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि लेबर अटेंडेंट और इनकी पोस्ट कितनी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि JSA है उसकी 759 पोस्ट है, जो हमने पहले बात कर लिया। अकाउंटेंट 361, लेबर अटेंडेंट के 373 वैकेंसी। ठीक है साथियों, अब चल लेते हैं कुछ जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसकी दी हुई है। अब बात कर लेते हैं पे लेवल की। तो प्रिंसिपल का जो पे लेवल रहेगा वो 12 रहेगा और इनकी बेसिक पे रहेगी 78,800। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप PGT का फॉर्म लगा दीजिए, क्योंकि PGT का बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। लेवल 8 47,600 यानी 47,600 रुपये इसकी बेसिक रहेगी, प्लस DA रहेगा। तो कुल मिला के आपकी जो सैलरी है वो 70,000 से क्रॉस करने का पूरा चांसेस रहेगा। अकाउंटेंट लेवल 6 35,400 बेसिक रहेगी, JSA के लेवल 2 19,900 है और लेबर अटेंडेंट की लेवल 1 18,000 है। ठीक है, जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो OMR बेस होगा यानी पेन पेपर टेस्ट इसके अंदर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि आपका जो PGTs है उसका किस तरह से जो एग्जाम होने वाला है। इसमें जनरल अवेयरनेस का 10 क्वेश्चन है, रीजनिंग का 20 क्वेश्चन, ICT के 10 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन और डोमेन नॉलेज उसके हैं 70+5+5। ठीक है, और उसके बाद जो लैंग्वेज कंपिटेंसी टेस्ट होगा वो होगा आपका 20 क्वेश्चन। तो आप ये स्क्रीनशॉट अपने पास रख सकते हो कि इस तरह से आपका जो एग्जाम है वो होने वाला है, 3 आवर्स का होगा। ठीक है, इसी तरह से JSA का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेबर अटेंडेंट का भी ले सकते हो। अब चलते हैं आगे, सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन। तो amrs.tribal.gov.in इस वेबसाइट पे जाके आप यहाँ से अपना सिलेबस कंसर्न सब्जेक्ट का सिलेबस है वो डाउनलोड कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। प्रिंसिपल की एज की बात कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल की एज 50 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और जो AMRS का एम्प्लॉय है उसके लिए 55 ईयर्स है। अपने लिए मेन है PGT। तो PGT की जो मैक्सिमम एज है वो 40 इयर्स है और जो AMRS का है, जैसे मान लो कि TGT है और वो PGT एग्जाम दे रहा है, तो उसके लिए मैक्सिमम एज 55 इयर्स है। ठीक है साथियों, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको पता ही होगा कि आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट है आप स्क्रीन पे देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको करना होगा। ठीक है, और BA डिग्री इसके अंदर मस्ट है, तो ये आप जरूर ध्यान रखें। लेकिन जो PGT कंप्यूटर साइंस है उसके अंदर BA कंपलसरी नहीं है, तो ये एक बड़ी अच्छी खुशखबरी है। अब देख लेते हैं अकाउंटेंट की। तो अकाउंटेंट की एज है वो 30 ईयर्स है मैक्सिमम, ओके, और JSA की भी मैक्सिमम 30 ईयर्स है, लेबर अटेंडेंट की भी 30 ईयर्स है। फिर बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन। तो वही अपना जो सेंट्रल गवर्नमेंट में दिया जाता है वो एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे तो इसमें कुछ ये आपके कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, जब आप इसके अंदर फॉर्म लगाओ तब आपको फिलअप करने होंगे। ठीक है साथियों, तो ये आपका AMRS की वैकेंसी है। इसके अंदर आपको लगभग हर स्टेट के अंदर इसके सेंटर हैं, तो
तो कोई भी प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, जो असफल विद्यार्थी है उनके लिए तो बहुत ही सुनहरा मौका है। ठीक है साथियों, तो आप हमें इस वीडियो को जरूर लाइक करें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस ये आपका ही चैनल है, इस पर आपको सारे ऑल इंडिया की जॉब नोटिफिकेशन और रिजल्ट की अपडेट आपको दी जाएंगी। इसलिए साथियों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।